तो बहुत सारे लोग मुझे अपनी राइड के बारे में पूछ रहे थे, बाइक कैसी चल रही है, राइड कैसी है, ये सीट अच्छी है, कौन से बैग्स कैरी कर रहे हो, क्या लगेज है। तो इन सब के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सारा डिटेल्स। तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ अभी ऋषिकेश में और ये देखो नज़ारा। हेलो गाइस, तो अब मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया और मैं हूँ मनीष के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। नहीं दोस्त, उड़ गया है। गुड मॉर्निंग सभी। क्या कॉफी दिख रही है, मस्त। तो गाइज अभी हम इधर बैठ के चाय पी रहे हैं व्यू के साथ। मैसेज करा ले बढ़ाए अपना पावर आयुर्वेदिक दवा से। एसएमएस करें 629। हेलो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हम ट्रिप कर रहे हैं, रोड ट्रिप कर रहे हैं, वो कैसे प्लान हुआ था और हमने इसमें क्या क्या किया और आगे क्या प्लान्स हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। शुरू करते हैं। तो इस ट्रिप का जो मास्टरमाइंड है, जो मेन आइडिया जिसने बनाया, वो मेरे फ्रेंड शमीक ने बनाया, जिसको आपने वीडियो में देखा होगा, हु इज़ राइडिंग दी हार्ले फैट बॉय जो चला रहा है। सो एक दिन शमीक ने मुझे कॉल किया एंड ही जस्ट सेड कि हम लोग ऐसी ट्रिप प्लान कर रहे हैं लाइक सम फ्रेंड्स, और बस व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गया और बहुत सारे लोग थे उसमें। जस्ट लाइक गोवा का प्लान जैसे होता है, व्हाट्सएप पे बनता है, लोग जाते नहीं है या कैंसिल हो जाता है। बट इस ट्रिप में ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग थे, फिर बैकआउट कर गए, फिर ऋषिकेश का ही प्लान बना था। उसके बाद फिर बीच में जो लैंडस्लाइड हो गया था, उस वजह से थोड़ा सा हम लोग सोच रहे थे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पता नहीं सेफ है नहीं है, तो थोड़ा प्लान लोकेशन जो है वो हमारा चेंज हो रहा था। करते करते लास्ट मोमेंट पे दो बंदे जो है, शमीक के साथ एक और जो मनीष है, हु इज़ ऑल्सो डूइंग व्लॉगिंग, उसका जो चैनल है वो है भटकंती ऑन व्हील्स, वो भी आप सब्सक्राइब करना, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। बोथ ऑफ देम, उन दोनों का फाइनल हो गया, बट बाकी जो लोग थे वो बैकआउट कर गए। मैं अपनी बात बताती हूँ, तो मैं सोच रही थी जाना है नहीं जाना है कैसे जाना है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास स्वीट ट्रिपल थी, मतलब आई स्टिल हैव इट, बट टूरिंग करने के लिए, क्योंकि ऋषिकेश के रोज बीच में ऑफ रोड भी है, तो मुझे उस बाइक पर नहीं करना था। सो दैट वॉज द रीज़न कि मैंने एक्सपर्ट्स खरीदी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ऐसा सोच रही थी, रेसिंग रेसिंग ही करती हूँ मैं, बट साइड वाइज मैंने सोचा कि टूरिंग भी करना चाहिए, मतलब ऐसे ट्रिप्स करना, फ्रेंड्स के साथ जाना, इट्स रियली फन, बहुत मज़ा आता है। सो दैट वाज वन रीज़न टू बाय एक्सपर्ट्स। शमीक इज़ फ्रॉम सांगली, उसने वहाँ से पुणे राइड किया, देन पुणे में ही मेट मनीष एंड बोथ ऑफ देम केम टू इंदौर। इंदौर से वी वेंट टू जयपुर, जयपुर से हमने राइड किया ऋषिकेश। तो इसमें भी हमने लाइक इट्स अ बजट ट्रिप, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसीलिए वी आर स्टेइंग इन हॉस्टल, और एक कुछ डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस भी करना था। लाइक मैंने अभी तक सुना था हॉस्टल जो है उसका जो वाइब है, एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा होता है, लाइक यू मीट लॉट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, यू सोशलाइज, मतलब कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने कि बहुत अच्छा है। तब हम लोग यही सोच रहे थे हम होटल्स में स्टे ना करके हॉस्टल्स में स्टे करेंगे। हॉस्टल्स आर लाइक वेरी चीप, और गर्ल्स के लिए स्पेशल से अलग से डॉर्मेट्री होती है, बट ऑब्वियसली आप फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो तो इट डजेंट मैटर। तो जयपुर में जो हॉस्टल था हमारा, उसमें लाइक फोर बेड्स थे हमारे रूम में, एंड देयर वर थ्री बॉयज़ एंड आई वाज स्टेइंग विद देम। बट ऐसा कोई भी कुछ भी रिस्की नहीं होता है, सब अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, लाइक इट्स अ गुड एनवायरनमेंट, मतलब आप ऐसा मत सोचो कि रिस्की है, लड़कों के साथ रह रही है या ऐसा कुछ, कुछ ही नहीं होता है, एवरी वन इज़ लाइक अ फ्रेंड और सब चिल करते हैं। तो इट वॉज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल में मैंने स्टे किया है और काफ़ी अच्छा एक डिफरेंट ही वाइब है। तो अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ लुक फॉर हॉस्टल्स। जयपुर में हमने काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया, जो आपने वीडियो में, जयपुर वाला जो वीडियो है, ब्लॉग है, उसमें आपने देखा होगा। राइड बहुत अच्छी थी। अब मैं आपको बाइक के बारे में बताती हूँ। तो अभी तक इंदौर से जयपुर, जयपुर से ऋषिकेश, अराउंड 1000+ किलोमीटर्स हो चुके हैं। बाइक बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है,
मैं आपको बता दूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जस्ट इसलिए आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी सारे DMs मुझे आ रहे हैं बाइक के रिव्यू के लिए। तो जेन्युइनली अगर मैं बताऊँ तो बाइक इज़ परफॉर्मिंग रियली वेरी गुड, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बाइक चलाने में, स्पेशली दिस काइंड ऑफ रोड, मतलब अच्छा टारमैक रोड भी है, हाईवे भी है और ऑफ रोड भी है, काफ़ी सारे बीच में पैचेस ख़राब है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब द बाइक इज़ सो स्लीक कि वो कहीं से भी निकल जाती है। शमी की इज़ हैविंग हार्ले और मनीष के पास हिमालयन है, बट फिर भी पेस मैचअप हो जाता है, सच देर इज़ नो प्रॉब्लम बाइक में, टचवुड अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं आया है। और तो ये शमी का आ चुका है यहाँ पे, यही है इस ट्रिप का मास्टरमाइंड। सो कमिंग बैक टू हाँ बाइक का सीट, तो बाइक का सीट इज़ ओके, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बट काम चल रहा है अभी अपना, बट नेक्स्ट ट्रिप अगर होगा तो आई विल श्योरली प्लान कुछ बेटर ऑप्शन, मैं सर्च करूँगी मॉडिफाई वगैरह कुछ करने का, क्योंकि लॉन्ग रन पे ऑब्वियसली बम्प्स में पेन होने लग जाता है, तो अगर आप टूरिंग के लिए बाइक ले रहे हो तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, बाइक तो अच्छी है, मैंने बाइक में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बाइक बिल्कुल स्टॉक है, 1000 kilometers हो चुके हैं और अभी और भी आगे की कुछ प्लान्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, मैं अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करूँगी क्योंकि अभी प्लान बन रहा है कि यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, ये भी देखना है वो भी देखना है, तो अभी जो भी डिसाइड होएगा वो हम कर लेंगे। तो और बाइक में क्या क्या लगा है ये मैं आपको बाइक जब हम लोग निकलेंगे तब मैं अच्छे से आपको उस वीडियो में बताऊंगी, ज़्यादा कुछ कैरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लगेज की ज़रूरत नहीं होती ऐसी ट्रिप्स पे, वॉर्म क्लोथ्स हैं, नॉर्मल जो कपड़े लगते हैं वो है, उसके अलावा आई एम जस्ट कैरिंग 1 tent क्योंकि हमने कैंपिंग का सोचा था, अगर ऐसी कोई लोकेशन हमको मिलती है कैंपिंग भी कर लेंगे, बस दैट्स इट। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। शमी इज़ गोइंग टू राइड माई बाइक और मैं पिलियन पीछे बैठूंगी क्योंकि